ऑयल केमिकल्स ये है वो कंपनी जिससे आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और पेन मैनेजमेंट जैसी थेरेप्टिक कैटेगरी की दवाएं बनाती है, यानी कि दर्द दूर करने वाली दवाएं बनाती है। ब्रूफेन, आइब्रूफेन सबने आपने नाम सुना है, इसकी बड़ी प्रोड्यूसर है ये कंपनी और 2000 में इसका प्लांट इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 2021 में भी कुछ और मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने यूनिट्स लगाई है। आयल केमिकल्स के सीईओ संजय चतुर्वेदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और चतुर्वेदी साहब का आपको परिचय करवा दूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर्स की डिग्री उन्होंने ली है, फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री ली है, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टरेट भी किया है, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है, और साथ ही पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की एक बेहतरीन डिग्री उन्होंने हासिल की है। इस इंडस्ट्री का 25 सालों से ज़्यादा का उनका लंबा अनुभव है। चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त इंडस्ट्री का हाल कैसा है, क्योंकि कोरोना के वक्त और उसके बाद तो डिमांड काफ़ी मजबूत आई थी, लेकिन पिछली तिमाही में जो चौथी तिमाही के नतीजे आए थे तब हमने देखा कि थोड़ी सी डिमांड कम होती दिखी है। इस वक्त एक बार जरा डिमांड सिचुएशन बताएं सर। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, डिमांड सिचुएशन इस समय थोड़ी सी मंदी हो गई है। जो प्रोडक्ट सिर्फ कोरोना थेरेपी में जा रहे हैं अभी वो प्रोडक्ट्स तेजी में हैं, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी डिमांड थोड़ी सी मंदी हो गई है। उसकी काफी सारी वजह हैं। एक वजह तो ये है कि क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग अपनी इलेक्टिव सर्जरीज भी नहीं करा रहे हैं। इवन ऑनकोलॉजी की दुनिया में हमने देखा कि ऑनको प्रोडक्ट्स की भी डिमांड थोड़ी कम हो गई है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री का हाल इस समय ये है कि जो कोरोना रिलेटेड थेरेपीज हैं उन सब के प्रोडक्ट्स अभी भी ठीक चल रहे हैं, तेजी में हैं, लेकिन बाकी सब प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी मंदी आ गई है। और उसकी एक वजह ये भी है कि उन बाकी प्रोडक्ट्स में थोड़ी ओवर स्टॉकिंग हुई थी, जो हमने भी खुद एक्सपीरियंस करा। हमारे आइबुप्रोफेन में जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमारे जो कस्टमर्स हैं ओवरसीज उन्होंने काफी ओवर स्टॉकिंग करी थी। ठीक बात है, लेकिन साथ ही में आपका केमिकल सेगमेंट जो है वो बड़ा मजबूत है, उसकी तो रेवेन्यू भी काफी दमदार बढ़कर आई है, वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या उतनी ही तगड़ी डिमांड वहां पर अभी भी बरकरार है सर? हाँ, तो केमिकल्स की डिमांड काफी स्टेबल है और उसमें हमें अच्छी ग्रोथ भी मिली है, और मोस्ट ऑफ दैट ग्रोथ जो आई है वो वॉल्यूम तो खैर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है अबाउट 7-8%, बट रियली जो ग्रोथ आई है वो प्राइसिंग की वजह से आई है। जो केमिकल्स का बिजनेस होता है उसमें जो प्राइस होता है रियली रॉ मटेरियल से डिटरमिन होता है, और जब रॉ मटेरियल का भाव बढ़ता है तो एंड प्रोडक्ट का भाव भी बढ़ जाता है। तो उस वजह से हमारा बिजनेस ने अच्छा करा है और हमें उम्मीद है कि इस क्वार्टर में भी अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए कम से कम केमिकल सेगमेंट एक अच्छा है, लेकिन आपकी कंपनी जिसके लिए जानी जाती है आइब्रूफेन, इस प्रोडक्ट से पहचान भी है आयल केमिकल की, इसके बारे में बताएं सर, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? आइब्रूफेन में ओवरऑल थोड़ी मंदी आई है मार्केट में पिछले 1.25 साल में, और उसकी मेन वजह ये है कि एक यूरोपियन डॉक्टर्स के ग्रुप ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि आइब्रूफेन कोविड मैनेजमेंट में उतना बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। कुछ महीनों बाद वो रिपोर्ट गलत साबित हुई तो उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत दबाव आया अब डिमांड पे। तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमारी डिमांड मंदी रही है, Q3 और Q4 में हमें उम्मीद है कि ये डिमांड वापस आएगी और हमारे कस्टमर जैसे कि हमको संकेत दे रहे हैं उसके हिसाब से Q3 और Q4 में हमारी डिमांड अच्छी रहेगी आइबुप्रोफेन की। ओके, तो ये है आपके लिए डिमांड आउटलुक पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।